ओके गाइस, एकदम मैं तैयार हो चुका हूँ और सीन चैनल चौबाई मेरा वेट कर रहे होंगे। जल्दी से मेरे को जाना होगा। ये क्या, अबे कहाँ पर गए सीन चैनल चौब? मुझे लगता है कहीं पर मैं लेट तो नहीं हो गया, मुझे देखना होगा। अबे गाइस पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अरे सिर्फ मैंने कपड़े ही तो चेंज किए हैं, कपड़े चेंज करने में मेरे को 20 मिनट लग गए, जल्दी से जाना होगा। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से ऊपर आ जाओ, देरी हो रही है। मुझे लगता है सिंचन फ्रैंकलिन भैया तो कहीं पर नीचे सो ही ना गए हो। लो जी गाइस, ये दोनों तो बाहर ही खड़े हैं और इन दोनों की आवाजें बाहर से आ रही हैं। लगता है ये लोग मुझसे पहले रेडी हो गए। सच में ना मुझे यकीन नहीं आ रहा, जो दोनों सबसे ज्यादा लेट करवाते थे मुझे, आज मुझसे पहले ही खड़े हैं। गाइस सच में ना मुझे पता नहीं है कि इन दोनों ने मुझे क्यों तैयार करवाया और कहां पर लेकर जाने वाले हैं। सीन चैनल चौब में आ चुका हूं, अब मेरे को बताओ कि तुम लोगों ने मेरे को कहां पर लेकर जाना है और किस चीज की तैयारियां कर रहे हो तुम दोनों? फ्रैंकलिन भैया आपका तो याद होगा ही राजू और जग्गू का, ये दोनों हमारे कितने ही अच्छे दोस्त है। और आपको पता है ना, जब मेरी बर्थडे पार्टी हुई थी तो राजू और जग्गू ने कितने ज्यादा गिफ्ट दिए थे मुझे और मुझे बर्थडे भी विश की थी। सिंचन तेरे को तो याद होगा ही राजू ने तेरे को कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे। अब हमारी बारी है, राजू और जग्गू की दोनों ही एक दिन बर्थडे बनाते हैं और हमें भी उन दोनों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देने होंगे अब। अच्छा तो तुम दोनों गिफ्ट लेने के लिए यहाँ पर खड़े हो? देखो हम लोग ना राजू के लिए एक अच्छा सा बर्थडे केक भी लेंगे और उसके बाद गिफ्ट भी, पर उसके लिए हमें ना 24/7 की मार्केट में जाना होगा। फ्रैंकलिन भैया इसीलिए पहले ही आपने हमें इतना ज्यादा लेट करवा दिया है, पूरा आधा घंटा लेट हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रह चुके हैं, 20 मिनट में हमने गिफ्ट भी खरीदने हैं और राजू और जग्गू की बर्थडे पर भी पहुंचना है। ओके पहले तुम लोग लेट करवाते थे, आज मैंने लेट करवा लिया तो इसमें क्या बात हो गई? ओके जल्दी से गाड़ी निकालनी होगी गाइस और इन्हें मार्केट लेकर जाना होगा, फिर मार्केट से इन लोगों को चीजें लेकर देनी होगी। जल्दी से गाड़ी घुमाई, अबे यहाँ पर रोकता हूँ, जल्दी से बैठो तुम लोग। ओके चौब तो बैठ चुका है गाड़ी की छत पर और सिंचन अंदर आ चुका है। फ्रैंकलिन भैया आराम से गाड़ी चलाना, कहीं पर चौब को चोट ना लग जाए। सिंचन मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि मेरे को डरा मत, आगे ही मैं काफी मुश्किल से फ्रैंकलिन भैया की गाड़ी की छत पर बैठा हूँ। अरे नहीं गिराता तुम लोगों को, एक तो चौब के जहन में वहम बहुत जल्दी पल जाता है, कोई भी बात इसे बोल दो फौरन से ये नोट करने शुरू हो जाता है कि इसके साथ ये हो जाएगा। मुझे लगता है ना साइको बन चुका है चौब तू, और थोड़े दिनों तक ये जहनी मरीज हो जाएगा, फिर मैं इसे ना पागल खाने में छोड़ाऊंगा। देखो मेरा दिमागी तवाजुन तो एकदम सही है फ्रैंकलिन भैया, मुझे लगता है ना आपको जाना चाहिए, देखो ना कैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। अरे अगर मैंने स्लो स्लो ड्राइव की तो तुम लोग ना कल ही जाकर पहुंचोगे। एक मिनट, इसी साइड पर थी वो 24/7। ओके वो सामने की तरफ रही मार्केट, उस स्टोर में जाना होगा और जो कुछ लेना है ना तुम लोग ना बल्कि यहीं पर रुकना, मैं ही अंदर जाकर लेकर आता हूँ। फ्रैंकलिन भैया मुझे आपके साथ जाना है क्योंकि आपको पता नहीं है कि राजू और जग्गू को क्या पसंद है। देख सिंचन मुझे पता है तू राजू और जग्गू की चीजें खरीदने से ज्यादा अपनी चीजें खरीदेगा। मुझे तो गाड़ी से नीचे उतारो फ्रैंकलिन भैया, मुझे भी स्टोर के अंदर जाना है। लो जी अगर इन दोनों को मैं स्टोर में लेकर गया ना, राजू और जग्गू की चीजें तो नहीं आने वाली फिर। ये क्या हुआ, अबे ये कौन आकर गिरा? अबे ये तो आयरन मैन है, आयरन मैन को क्या हो गया? काफी बुरे तरीके से आकर गिरा है, मुझे इसके पास जाकर पता करना होगा। अबे आयरन मैन हो क्या गया है, काफी बुरे तरीके से यहाँ पर आकर कैसे गिरा तू, और काफी बुरी हालत लग रही है, ऐसे लगता है किसी ने बड़े बुरे तरीके से पीटा है तेरे को। देखो फ्रैंकलिन अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास आकर गिरा, अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। देखो ये एक लंबी कहानी है लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट तरीके से सुनाता हूँ। देखो थोर को एल्ट्रॉन पकड़ कर ले गया था, थोर को छुड़ाने के लिए मैं एल्ट्रॉन के पास गया और एल्ट्रॉन से मेरी काफी खतरनाक लड़ाई हुई, लेकिन एल्ट्रॉन के पास काफी बुरी शक्ति आ चुकी है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया और काफी फाइट करने के बाद उसने मेरी सारी पावर मुझसे छीन ली और मुझे वहाँ ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। अब थोर काफी ज्यादा मुसीबत में है क्योंकि वो साइंटिस्ट के जरिए थोर के अंदर जितनी भी पावर है वो सारी पावर लेना चाहता है ताकि वो म्यूनीर और स्ट्रूम ब्रेकर को उठा सके। देखो अगर हम लोगों ने एल्ट्रॉन को ना रोका तो एल्ट्रॉन इस दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस बन जाएगा, फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, सोच सकते हो वो भी कितना खतरनाक है, तो उस टाइम उसे कोई सुपर हीरो भी रोक नहीं पाएगा। देखो फ्रैंकलिन अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अबे आयरन मैन मैं सारी बात समझ चुका हूँ, देख तेरे पास कितनी ज्यादा पावर थी, तू उस एल्ट्रॉन का मुकाबला नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। और मुझे लगता है तुझे किसी सुपर हीरो के पास जाना चाहिए, हल्क के पास, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका, इतने ढेर सारे सुपर हीरो तो हैं। देखो अवेंजर्स टीम के जितने भी सुपर हीरो हैं सारे मिलकर उसे हरा सकते हैं ना। देखो ऐसी बात नहीं है, सारे सुपर हीरो भी मिलकर उसे हरा नहीं पाएंगे, पर एक काम किया जा सकता है,
है क्योंकि वो सुपर हीरो में से कोई भी नहीं कर सकता। देखो तुम्हें एविल पावर को कलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास आयरन मैन का एक सूट है जो मैं तुम्हें देता हूँ। उस सूट के जरिए तुम एविल पावर कलेक्ट करने के बाद आयरन मैन के डार्क सूट में अपग्रेड हो जाना, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी भी डार्क पावर या एविल पावर होंगी तुम उतने ही ज्यादा खतरनाक राक्षस बन पाओगे, क्योंकि एक राक्षस उस अल्ट्रॉन को हरा सकता है। वो तुम बनकर उसे हरा देना। देखो कोई भी सुपर हीरो बुरा काम नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो वो उसकी सारी शक्तियाँ छीनी जाएंगी, वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी सुपर हीरो को कोई पावर मिलती है तो वो अच्छाई की पावर लेता है। ओके ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सब कुछ तो आई थिंक हल्के साथ भी हुआ था और हल्की मैंने मदद की थी। ठीक है, तू फिर मुझे आयरन मैन का वो सूट दे दे, बाकी एविल पावर कैसे कलेक्ट करनी है वो मेरा काम है। ओके ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, ये सूट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ओके मैं रेडी हूँ। ओके गाइस, आयरन मैन ने मेरे को ये सूट दे दिया और मैं भी आयरन मैन जैसा बन चुका हूँ। पर मैं जो आयरन मैन बना हूँ और सामने वाले आयरन मैन में कितना ही ज्यादा फर्क है। ठीक है सेंचन और चॉप, अब आयरन मैन तुम्हें इस सेंचन और चॉप को जो जो चीजें चाहिए लेकर देनी होगी वो सामने मार्केट से। बाकी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा राजू और जग्गू की बर्थडे, पर उन्हें मेरी तरफ से विश कर देना। ठीक है सेंचन और चॉप, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे इस देश को बचाना है अब। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, हम तो सही से एंजॉय करेंगे, अब मजा आएगा जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो कितना हल्ला गुल्ला करेंगे हम चौपर में, मजा ही आ जाएगा। ओके गाइस, मेरे को अब जाना होगा, यहाँ से जल्दी से भाग कर चलता हूँ क्योंकि एविल पावर को कलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे बुरे काम करने होंगे, पर ये बुरे काम मैं अल्ट्रॉन को मारने के लिए कर रहा हूँ तो जल्दी से यहाँ से भाग कर जाना होगा। ओके भाग कर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ, यहाँ से जाना होगा। क्या किया जाए, कौन सा बुरा काम है ऐसा किया जाए जिससे मेरी एविल पावर बढ़ेगी। एक मिनट, इस साइड से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, ऐसे लगता है सायरन पुलिस वालों की गाड़ी की आवाजें। हक्की में इस साइड पर तो चार चार गाड़ियां खड़ी हैं और ढेर सारे पुलिस वाले जिन्होंने गैंग वालों को पकड़ के रखा है। ओके अगर मैं इन गैंग वालों को छुड़ा लेता हूँ तो हो सकता है मेरी एविल पावर बढ़ जाए। आखिरकार तुम लोगों को हम लोगों ने पकड़ ही लिया, पुलिस के चंगुल से कब तक तुम लोग बचकर भागोगे? मुझे पता था आज तुम कहीं भी भाग कर नहीं जा पाओगे। देखो जितना भी गोल्ड तुम लोगों ने चुराया था उस शॉप से मुझे बता दो कहाँ पर छुपा कर रखा है वो, वरना तुम्हें मार डालेंगे। अरे बेवकूफ, तुम हमें मार नहीं सकते, अगर मार भी डाला तो तुम्हें कौन सा गोल्ड का पता चलेगा। मुझे पता है तुम्हें शूटिंग के ऑर्डर नहीं दिए गए, क्योंकि हम मर जाते हैं तो वो गोल्ड भी हमारे साथ दफन हो जाएगा, इसलिए हमें जाने दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है, हमें छोड़ दो। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाकर इन लोगों को सबक सिखाना होगा। ये रहा सामने की तरफ पुलिस वाला, अरे क्या ही जोरदार किक मारी मैंने इसे। अबे मैं मारना नहीं चाह रहा था, मुझे इन लोगों को पंच मारना होगा, एक एक पंच और एक एक किक। गाइस ये हॉकी क्या ही जोरदार पंच दिया, चारों तरफ आग लग चुकी है। ओके इन्हें भी मारना होगा, ये टकला क्या ही जोरदार पंच लगा। अब ये सारे मुझ पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं। अरे तुम लोगों की बुलेट का असर नहीं होने वाला, आयरन मैन का ये सूट काफी खतरनाक है। ओके जाना होगा, ये मारा इसे काफी जोरदार पंच। ओके यहाँ पर इसे देनी होगी किक। ओके फाइनली एक रह चुका है, एक कहाँ से मुझ पर शूट कर रहा है। ओके इस गाड़ी के पीछे रहा, सामने आ और ये मारी काफी खतरनाक पंच, और ये तो एक ही पंच से मारा जा चुका है। बाकी ये रे गैंग वाले, अरे तुम्हें भागने की कहीं भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस वाले रिंग से तुम लोग कहीं भाग नहीं पाओगे। फाइनली गाइस इन लोगों को मैंने बचा लिया, अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। थैंक यू सो मच आयरन मैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमें बचा लिया है, वरना ये पुलिस वाले तो हमें मार ही डालते। आज हमें फिर से एक और दफा जीने का मौका मिला है, तुमने मुझे खुश किया और हमारी जान भी बचाई है। बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या दिया जाए? देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ से भागो वरना कोई पुलिस वाला आ गया तो फिर से तुम लोग फंस जाओगे। फिलहाल मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा। ओके इस साइड से निकलता हूँ, अरे सीढ़ियों से उतरना होगा, उतरे और इस साइड पर। एक मिनट ये क्या हो रहा है, लगता है आयरन मैन का एविल पावर लेवल बढ़ रहा है। ओके गाइस ये तो बढ़ रहा है सामने की तरफ, और एक मिनट लगता है मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। फाइनली गाइज हम लोग आयरन मैन के सूट के अंदर अपग्रेड हो चुके हैं, और देख सकते हो ये आयरन मैन का कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है और इसके अंदर पावर भी है। मुझे यहाँ से भाग कर निकलना होगा, क्या ही खतरनाक तरीके से फ्लाई कर रहा हूँ मैं। ओके फ्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ से निकला। एक मिनट मुझे शूट करना होगा, ऑफिस के पास तो पावर भी है, सबको शूट करके मार रहा हूँ। ओके जाना होगा, यहाँ से भाग कर चलते हैं, क्या ही स्पीड है इस सूट के अंदर, भाग रहा हूँ मैं। ओके भाग
भागते भागते तो मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से जाना होगा। ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ? अबे इस साइड पर तो मिलिट्री वालों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये देखो मिसाइल से बड़ा हुआ ट्रक। अगर किसी तरह ये ट्रक मुझे मिल जाता है तो मैं इसे ब्लास्ट कर दूंगा, और इस तरह मिलिट्री का नुकसान होगा तो हो सकता है मेरी एविल पावर लेवल बढ़ जाए। ओके यहाँ पर रुकना होगा, पहले तो सुनना होगा ये मिलिट्री वाले कर क्या रहे हैं। सामने की तरफ मिलिट्री कर्नल है, और ये कौन है? आई थिंक ये मिलिट्री वालों का कोई जांबाज सोल्जर है जो पावरफुल है काफी ज्यादा। देखो क्रेवंत, मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ क्योंकि तुमने ही हर दफा ऐसा काम किया है। देख सकते हो ये हमारी वेपन कितने ही ज्यादा कीमती है। इस दफा ये ट्रक तुम्हें सीधा मिलिट्री बेस के अंदर लेकर जाना होगा। अगर रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है तो उसका सामना भी तुम्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि ये खबर हर किसी को पहुंच गई होगी कि मिलिट्री कर्नल अपने वेपन मिलिट्री बेस के अंदर लेकर जाने वाले है, तो गैंग वाले तुम पर अटैक भी कर सकते हैं। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये मीटिंग के लिए सीक्रेट जगह चूज की है। देखो बॉस, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा, और मेरे रास्ते में तो कोई भी नहीं आ सकता। आपको पता तो है सुपर हीरो जैसी पावर है मेरे अंदर, और ये गैंग वाले क्या, कोई भी राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। गाइस ये तो क्रेवंत है। ओके इसके बारे में मैंने सुन रखा है, और ये कमांडो टाइप है गाइस, इसके पास पावर भी है, लेकिन ये तो जा रहा है इस वाले ट्रक के अंदर बैठकर। मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इन मिलिट्री सोल्जर को मारना होगा। सॉरी मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर मुझे करना होगा ऐसा। सॉरी सोल्जर, तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। क्या ही खतरनाक तरीके से मार रहा हूँ। और एक मिनट, मेरे पास एक पावर है, क्या ये मिसाइल शूट किया मैंने इन लोगों पर? सारे के सारे मारे जा चुके हैं। अबे मर जाओ गाइस, फाइनली लगता है ऐसा करने से मेरा एविल पावर मीटर तो बढ़ेगा ही। अब जल्दी से मुझे फ्लाई करके जाना होगा, और इस क्रेवंत को रोकना होगा, वो इसी साइड से गया होगा। जल्दी से जा रहा हूँ, यहाँ पर लैंड करके भागना होगा। ये क्या सामने की तरफ, ये क्रेवंत? अरे फाइनली, ये क्या, अरे इसे कैसे पता चला कि मैं इसका पीछा करते हुए आ रहा हूँ? देखो तुम यही सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। इस बारे में मुझे मिलिट्री कर्नल ने बता दिया था। मिलिट्री सोल्जर ने वो खतरनाक किस्म के सूट पहन रखे थे। तुम्हारे उन मिसाइल को उन पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने उनकी गाड़ियां तो ब्लास्ट कर दी, पर सारे सोल्जर और मिलिट्री कर्नल बच चुके हैं। लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या गाइस, मैं तो फ्लाई करके वहां से आ गया। चलो कोई नहीं, इसे मार कर मैं अपना एविल पावर मीटर बढ़ा सकता हूँ। फाइनली ये क्या, अबे ये तो मेरे को पीट रहा है। सामने की तरफ आया, स्लो मोशन पावर एक्टिव किया। ये खा पंच, क्या ही जोरदार पंच पड़ रहे है। अरे क्रेवंत को तो मैं उठने का मौका ही नहीं दूंगा। फाइनली मानना पड़ेगा इसके पास भी पावर है। मैं सोच रहा था आम सा सोल्जर होगा, दो तीन पंच मारने की वजह से मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों ही स्मैश दिया, आई थिंक हल्की पावर इसे भी दी गई है। फाइनली गाइस छोड़ूंगा नहीं, ये ले पंच का। अब तो इस वाले ना रिंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके पार्किंग वाली जगह पर इसे पंच पड़ेंगे। ये इसकी मुंडी से मैंने पकड़ लिया। छोड़ दो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और तुम्हारी ये लेजर तो मुझ पर असर भी नहीं करेगी। अच्छा ऐसी बात है, फिर ये उठाकर फेंका मैंने इसे, और फाइनली ये जोरदार पंच। अबे ये क्या हुआ, ये तो मारा जा चुका है। मुझे नहीं पता था कि इतनी आसानी से मारा जाएगा। फाइनली ये मारा जा चुका है, इसकी मुंडी से पकड़ना होगा। ये पकड़ा, अब तू कहां पर जाएगा? ये फेंका उठाकर, कितने ही ज्यादा दूर जाकर गिरा है। अब मुझे वो ट्रक देखना होगा, ये सामने की तरफ है, वेपन से भरा हुआ ट्रक, इसे फोड़ देता हूँ मैं। ओके मेरी इस खतरनाक ब्लास्ट लेजर से ब्लास्ट हो चुका है ये। फाइनली ऐसा करने से गाइस देख सकते हो मेरा एविल पावर मीटर बढ़ रहा है, और लगता है गाइस मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। ओके फाइनली गाइस मैं अपग्रेड हो चुका हूँ आयरन मैन के इस सूट के अंदर। देख सकते हो कितना ही अमेजिंग सूट है ये। ओके गाइस आयरन मैन का ये सूट तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मेरे को जाना होगा। ये क्या, अरे डार्क पावर मेरे को मिल चुकी है। मैं कितना ही खतरनाक तरीके से भाग रहा हूँ, जहाँ से भी भाग कर जा रहा हूँ ब्लैक धुआं निकल रहा है। जाना होगा, अबे जा रहा हूँ। ओके इस वाले ना खतरनाक फ्लाई ओवर के नीचे से मैं जा रहा हूँ। पर ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारी भीड़ जमा हुई है, और सामने की तरफ ये कौन है? अबे गाइस ये तो सुपरमैन है, और इसकी गाड़ी देख सकते हो। एक मिनट, गाड़ी तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर ये गाड़ी मैं चुरा लेता हूँ सुपरमैन को मारकर, और ये गाड़ी जाकर मैं सिमियन को दे देता हूँ, तो हो सकता है गाइस इस तरह हम लोगों का डार्क एविल लेवल भी इंक्रीज हो जाए। मुझे ऐसे ही करना होगा, ये लोग तो सारे के सारे बिजी है। देख सकते हो सुपरमैन भी काफी ज्यादा डैशिंग पोजिंग दिखा रहा है।
ओके, मेरे को जाना होगा। सुपरमैन वहीं पर देखता रहो, मुझे पीछे से जाना होगा। इसकी गाड़ी ये रही सामने की तरफ, जल्दी से बैठना होगा। फाइनली बैठ चुका हूँ, जल्दी से भगा कर लेकर जाते हैं सुपरमैन। ये अरे ये कौन आ गया, ये कैसे हो सकता है, अरे नीचे उतारो मुझे। फाइनली सुपरमैन का तो गिरा दिया मैंने, जल्दी से जाना होगा यहाँ से। क्या स्पीड से भगा रहा हूँ, बट ये क्या देख रहा हूँ, अरे सुपरमैन तो मेरे पीछे आ गया। अरे सॉरी सुपरमैन, देख तेरी ये गाड़ी चाहिए। गाइस अभी सुपरमैन को भी सबक सिखाना होगा, मुझे लगता है ये ऐसे मानेगा नहीं। ओके, गाड़ी को भगा कर यहाँ पर ले आया हूँ मैं। ये क्या, सुपरमैन मेरे पीछे आ रहा है, उतरना होगा जल्दी से। तुम मेरी गाड़ी को हाथी कैसे लगा सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ये लो खाओ किक। गाइस ये तो मेरे को मार रहा है, उठाकर फेंका, आउच बड़े जोर से लगी मेरे को। सबर कर एक मिनट। ओके, ये काफी जोरदार पंच। गाइस मेरी पंच की बरसात इस पर शुरू हो चुकी है। ये मुंडी से पकड़ा, ये मारा, ये फेंका। ओके, ये लेजर काफी खतरनाक, सामने पास नहीं आ पाएगा। ओके, पंच की बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन वो गाड़ी कहाँ पर गई, अभी तो यही थी। ओके, वो सामने की तरफ ही है, लेकिन इस सुपरमैन को पहले मारना होगा। ओके, ये मर चुका, ये रहा सामने की तरफ। फाइनली लेजर से जला डाला, जल कर खाक हो चुका है। फाइनली ये रही गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर बैठना होगा मुझे, जल्दी से लेकर जाना होगा अभी सिमियन की शॉप पर। अच्छा, बड़ा पीछे बोनर था, वो भी तोड़ डाला सुपरमैन ने। ओके, गाड़ी को भगाते हैं, तेजी से लेकर जाना होगा मुझे। फाइनली गाड़ी को भगा कर मैं सिमियन की शॉप पर पहुंच चुका हूँ। ये रहा सामने की तरफ सिमियन। अरे सिमियन, ये देख सकते हैं गाड़ी, मैं तेरे को देना चाहता हूँ, बस इसे गिफ्ट रख ले। अरे वाह आयरन मैन, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, तुम्हें पता तो है ये गाड़ी मुझे कितनी ही ज्यादा पसंद है। ओके, तुम्हें पसंद है ये गाड़ी, तुम ही रख लो, मुझे यहाँ से जाना होगा अब। ओके गाइस, मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ, जल्दी से भाग कर चलते हैं। ये क्या, मुझे लगता है ना गाइस, मेरा एविल पावर लेवल बढ़ रहा है और मैं नेक्स्ट सूट में अपग्रेड होने वाला हूँ। ओके गाइस, मैं नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो चुका हूँ। ये आयरन मैन का पावरफुल सूट, देख सकते हो इसके पीछे बूस्टर भी लगे हुए हैं, जिससे मैं हवा में तेजी से फ्लाई कर सकता हूँ, और ये बूस्टर आग भी निकाल सकते हैं। ओके, जल्दी से यहाँ से जाना होगा, क्या ही खतरनाक तरीके से फ्लाई किया, यहाँ से मुड़ना होगा। ओके, मैं जा रहा हूँ। ओके, इस रोड पर पहुंच चुका हूँ, आराम से जाना होगा। ये क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, अबे ये तो फ्लैश है, फ्लैश मेरे रास्ते में क्यों आ गया। अबे फ्लैश तुझे क्या हो गया है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे सबसे प्यारे दोस्त सुपरमैन को क्यों मार डाला, और उसकी गाड़ी को भी तुमने सिमियन की शॉप पर दे दिया। सुपरमैन कितना ही ज्यादा घायल हो चुका है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे देखो, मुझे किसी की मदद करनी है, बल्कि इस पूरी दुनिया की मदद करनी है। अगर मैंने ऐसा ना किया ना, तो यह पूरा शहर तबाही में पड़ जाएगा, और उसके बाद अल्ट्रॉन को कोई भी नहीं रोक पाएगा, अल्ट्रॉन खतरनाक बन चुका है। इसलिए मुझे बुरे काम करके ना एविल पावर को कलेक्ट करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें मारना ही होगा अब। ओके गाइस, ये क्या, ये तो मेरे को मारने शुरू हो गया, लगता है ना ये सुपर हीरो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इन्हें पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। अरे मैं तो इस दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ, और ये उल्टा मुझे ही मार रहे हैं। लगता है ये सुपर हीरो फ्लैश भी पागल हो चुका है सुपरमैन की तरह, इसे भी सबक सिखाना होगा। जैसे मैंने सुपरमैन का हाल किया, इस फ्लैश का भी वही हाल करूंगा। ओके, जाना होगा, ये रहा सामने की तरफ। क्या ही जोरदार पंच पड़ रहे हैं, इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। ओके, ये खतरनाक किस्म का ब्लास्ट, क्या ही जोरदार ब्लास्ट दिया। और फाइनली फ्लैश मर चुका है, मार डाला मैंने इसे। एक मिनट, फ्लैश को मारने के बाद ये क्या हो रहा है, लगता है मेरा एविल पावर मीटर फिर से इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये बार इंक्रीज होने वाला है। फाइनली मैं खतरनाक सूट में अपग्रेड हो चुका हूँ, लगता है ये लास्ट सूट था आयरन मैन का। ओके, ये डार्क सूट मिल चुका है मुझे आयरन मैन का, कितना ही ज्यादा पावरफुल है ये। ओके, मेरे को यहाँ से जाना होगा, लेकिन अभी तक मेरे को अल्ट्रॉन का पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। मुझे यहाँ से जाना होगा फ्लाई करके। ओके, आ चुका हूँ मैं इस साइड पर। ये क्या, ये किसकी कॉल है, अबे ये तो आयरन मैन की कॉल है। देखो फ्रैंकलिन, मेरी बात गौर से सुनो, मुझे अल्ट्रॉन का पता चल चुका है, जहाँ पर उसने वो मशीन लगाई हुई है और थोर को रखा हुआ है। तुम्हें जल्दी से जाकर उसे रोकना होगा, वरना वो थोर की सारी पावर छीन लेगा और उसे मार डालेगा। ओके ठीक है, लोकेशन मुझे भेज दे, वैसे भी मैं पावरफुल बन चुका हूँ डार्क आयरन मैन, अब उसे छोड़ूंगा नहीं, अल्ट्रॉन बचेगा नहीं मेरे हाथों से। ओके गाइस, अपने पास लोकेशन आ चुकी है, मुझे लगता है ना मुझे पहुंचना चाहिए। ओके, फ्लाई करता हूं और सीधा पहुंचता हूं उस लोकेशन पर। ओके गाइस, मैं इस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ, भागना होगा मुझे, इसी साइड पर वो होना चाहिए अल्ट्रॉन। ओके, पहुंच तो चुका हूँ, ये सामने की तरफ ही है। आवाज धीमी, सामने की तरफ। ये क्या, थोर को तो काफी खतरनाक उस मशीन में डाला गया और उससे करंट निकल रहा है, और ये साइंटिस्ट देख सकते हो गाइस, मेरे को आवाज धीमी रखनी पड़ेगी, साइंटिस्ट लगे हुए इस मशीन को एक्टिव कर रहे हैं। और अल्ट्रॉन उस साइड पर होगा, मुझे इसकी बात सुननी होगी। जल्दी करा,
तुम लगन ने कितनी ही ज्यादा देर कर दी है। इतनी देर तो मैंने कभी नहीं की और ना ही मुझे इतनी देर बर्दाश्त है। तुम लगन ने कहा था सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, अभी अगर कोई आ गया तो उसका मुकाबला भी मुझे करना पड़ सकता है। इस थॉर को छोड़ना मत, इस थॉर की सारी पावर मुझे ही चाहिए। हाँ, अल्ट्रॉन को ही चाहिए, आयरन मैन का तो मैंने मार डाला है। अरे गाइस, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए और इसे बताना होगा कि मैं कौन हूँ। ओके अल्ट्रॉन, मैं तुझे कुछ नहीं करने दे सकता, इस थोर को तू हाथ भी नहीं लगा पाएगा। फाइनली आयरन मैन आ चुका है तुझे मारने के लिए, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कैसे हो सकता है, ये वापस कैसे आ गया? मुझे तो ये बेवकूफ कहीं का पागल लगता है। लगता है इसे बताना ही पड़ेगा कि मैं कितना ही ज्यादा खतरनाक हूँ। चल तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू मेरे हाथों से ही मरेगा आयरन मैन। फिर से शायद तुझे मेरी पावर का पता नहीं है, आगे भी तुझे मार कर कितनी ऊंचाई से फेंका था, फिर से तू आ गया मेरे हाथ में। ओके गाइस, ये कहां पर चला गया, यही तो था। अरे ये क्या मेरे को मार रहा है इतनी आसानी से? नहीं, इसके मुंडी से पकड़ा और उठा कर लेकर जाना होगा। यहाँ पर लैंड करवाया और वो फेंका सामने की तरफ। अब गाइस इसे छोड़ूंगा नहीं, ये लेखा पंच, इतने पंच मारूंगा ना अल्ट्रॉन के तुझे याद आ जाएगी नानी दादी। अरे फाइनली इसकी नानी दादी तो है ही नहीं, ये तो आयरन मैन के हाथों, टोनी स्टार के हाथों से बनाया हुआ है। ओके गाइस, ये बाप को सिखाएगा कि कैसे इसे मारना है। फाइनली मेरे हाथों से बनाया हुआ कीड़ा, यानी आयरन मैन के हाथों से बनाया हुआ कीड़ा मारा गया। ओके जाना होगा, यहाँ पर लैंड करवाया, जल्दी से मुझे थोर को बाहर निकालना होगा। ओके जल्दी से चलता हूँ, इस मशीन को डीएक्टिवेट करना होगा ताकि ये बाहर निकल पाए। थैंक यू सो मच आयरन मैन, तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये अल्ट्रॉन तो मेरी सारी पावर छीन कर मुझे मार देता। पहली बात तो ये है मैं आयरन मैन ही हूँ, लेकिन आयरन मैन के सूट के अंदर है फ्रैंकलिन, जिसने तुम्हें बचाया है। मुझे पहले ही शक था, क्योंकि फ्रैंकलिन तुमने जो किया है ना वो कोई सुपर हीरो भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे मेरी जान बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। गाइस मेरे को जाना होगा, फाइनली मैंने कितने ज्यादा बुरे काम किए और कितनी तबाही मचाई, लेकिन अच्छाई के लिए ये तो करना ही पड़ता है। कभी कभी अच्छाई के लिए बुरे कदम भी उठाने पड़ते हैं। ओके गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।